राम मंदिर में आज दर्शन का दूसरा दिन है। दिव्य दर्शन के लिए रात से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दर्शन के लिए राम भक्त बेकरार हैं। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कल भी राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन ही 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। कल रात 10 बजे तक राम मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। कल कुछ देर के लिए मंदिर का प्रवेश द्वार जरूर बंद कर दिया गया था। हालांकि ऐसे में मंदिर परिसर के अंदर जो श्रद्धालु मौजूद थे उन्हें बाकायदा दर्शन कराया गया और यह सिलसिला रात के 10 बजे तक चला। पहले ही दिन 5 लाख श्रद्धालुओं का जो सैलाब था, हुजूम था, वो मंदिर के बाहर कतारबद्ध होकर खड़ा नजर आया। इस इंतजार में नजर आया कि कब उनके प्रभु श्री राम उनके रामलला के मुख को वो निहार पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। हालांकि ऐसे में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि प्रशासन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इतना सैलाब वहां पर श्रद्धालुओं का उमड़ेगा। तो पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, अब आज दूसरा दिन है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या क्या कल जितनी है? हालांकि व्यवस्था तो कल ही पूरी दुरुस्त हो चुकी थी। रवि का मैं रुख कर लेती हूँ न्यूज 18 इंडिया के। रवि, राम मंदिर के बाहर ही इस वक्त मौजूद है, तस्वीर भी वो वहां की आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे क्या अभी क्या हलचल है और किस तरह से श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। रवि, अपडेट और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए जरा। यहाँ की तस्वीरें मैं सीधे दिखाना चाहूँगा कि राम मंदिर की, और आज दूसरा दिन है जब पट खुले, राम मंदिर के दरवाजे खुले दर्शकों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए। उसके बाद की ये तस्वीर, ये है, देखिए यहीं से शुरुआत होती है राम मंदिर की। और अब मैं दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहूँ, मेन रोड, जहाँ पर रोड तक, सड़क तक ये लंबी कतार लगी हुई है। कई ग्रुप में ये कतार लगी है और उसकी वजह है कि एक दिन पहले की जो स्थिति बन गई थी वो मैनेज तरीके से नहीं था, उसकी वजह से काफ़ी क्योस हो गया था, दिक्कतें आई थी तमाम ऐसे श्रद्धालुओं के लिए अंदर तक पहुंचने में। इसके बाद कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए, लखनऊ से सीधा अयोध्या में दौरा किया। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने बैठकें की तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ में। उसके बाद आज पूरी तरीके से जो ये दर्शकों की, ये श्रद्धालुओं की जो भीड़ नजर आ रही है वो मैनेज तरीके से जा रही है दर्शन करने के लिए, कतार में है, यानी कि किसी भी तरीके की भीड़ आपको नहीं दिख रही है। जोश है, सुबह से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं देश के कोने कोने से। अब मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है। कल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोर्चा संभाला था, आज रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर बुला ली गई है, तो यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी बढ़ाई गई है। इसके बाद जो मीडिया की एंट्री थी वो अंदर तक थी, लेकिन आज बाहर से ही तमाम पाबंदियां हैं, तो मैनेजमेंट सही तरीके से आज किया गया है लगातार। अब मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, कहां से आए हैं, कितने देर? मैं अमेरिका से आया हूं, डैलस से। अच्छा, 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और अभी हम लोग बनारस जाएंगे। अद्भुत यहां पर प्रिपरेशन है योगी जी का, मोदी जी का, बहुत संतुष्ट है, बहुत बहुत संतुष्ट है। कल भी दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन। अकेले कोई और भी साथ में? मेरे साथ मेरा मित्र है आनंद कल्याणी। आप कहां से? मूलतः कहां से? मैं मूलतः राजस्थान कलकत्ता में रहता हूं, 18 साल से अमेरिका में रहता हूं। अच्छा, तो क्या स्पेशली दर्शन के लिए आए हैं, किसी काम के लिए भारत? स्पेशली दर्शन के लिए आया हूँ और बहुत ही अद्भुत दर्शन। अमेरिका में क्या माहौल है? अमेरिका में 1100 मंदिर में हिंदू स्वयंसेवक संघ, सेवा इंटरनेशनल, विश्व हिंदू परिषद और सारे मंदिरों ने मिलकर सेलिब्रेट किया है और वहाँ पर 29 कार रैलियां हुई है, 200 कार से लेकर 1000 काल तक। अमेरिका भी राममय हो चुका है, पूरा राममय हो चुका है, राममय हो चुका पूरा। और जो लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है वो बहुत ही बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर सारे मैनेजमेंट ध्यान दे रहे हैं। कल सुबह थोड़ा क्योस हुआ लेकिन उसके बाद रैपिड पहला दिन था, पहला दिन होते हुए इतनी बढ़िया से दर्शन। अब एक बार दस ये देखिए, तमाम दर्शकों को मैं दिखाऊं सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था। ये देखिए, ये कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे कि घंटों इंतजार भरे करना पड़े तमाम ऐसे श्रद्धालुओं को, लेकिन माथे पर शिखन आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मंदिर में दर्शन करना है, भीड़ है, तो हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि वक्त लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि पहले और दूसरे दिन तो भीड़ वैसे भी ज़्यादा उमड़ पड़ती है तमाम ऐसे श्रद्धालुओं, क्योंकि 500 साल से ज़्यादा इंतजार करना पड़ा है। तो अगर 2-4 घंटे इंतजार मंदिर में दर्शन करने के लिए करना पड़े तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए
कितनी लंबी लाइन लग गई है। ये राम पथ की ये तस्वीरें मंदिर के ठीक बाहर सुग्रीव किला और इस जगह की तस्वीरें, आरएएफ के जवान तैनात हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो हर जगह पे तैनाती है। दूसरी तरफ अगर राइट साइड में दिखाएं, वहां पर बैरिकेटिंग यानी कि मंदिर तक आने वाले जो रास्ते हैं वो गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इन जगहों पर अगर कोई रहता है, उसका घर है, दुकान है, उन्हीं को सिर्फ आने की अनुमति है। खास करके टू व्हीलर्स हैं या कमर्शियल वाहन हैं, किसी भी तरीके से अगर प्रशासन की ड्यूटी में तैनात हैं उन्हीं को ही आने की अनुमति है। लेकिन जो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला चल रहा है, लगातार तांता लगा हुआ है। अब एक बार मैं तेजी से विजुअल दिखाना चाहूँगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। देखिए अब कतार देखिए कितनी ज्यादा है, और कतार के दूसरी तरफ जो सुरक्षा का घेरा भी देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा का घेरा भी बढ़ाया गया है, यानी कि दोनों तरफ दो कतारें हैं, रोड की ये कतारें हैं, ये सड़क की कतारें हैं, मंदिर के प्रांगण की नहीं है, मंदिर के प्रिमाइसेस की नहीं है, ये लाइन लगी है रोड की लगी है, यानी कि सड़क के बाहर की लगी है। और ये स्थिति यानी कि कल से ज्यादा यहाँ पर आपको भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन किसी भी तरीके की यहाँ पर ये देखें कुछ लोगों से बात, कहाँ से भैया, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से आए। गुजरात से, तो क्या सीधा आना हुआ यहाँ पे? हाँ, हम लखनऊ होके आए आए, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। कितना देर पहले यहाँ से चले थे यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए? हम लोग 4 बजे से निकले, 5 बजे यहाँ पे पहुँचे। हम पीछे लाइन में थे, यहाँ बहुत लंबी लाइन है। कितना उम्मीद है कितने देर में जो है मंदिर में दर्शन हो जाएंगे? अभी 4 घंटा और लगे तो दर्शन करने के जाएंगे, दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन करके जाएंगे। वाली तस्वीर देखा था आपने? हाँ देखी थी। कल भी आया था, कल भी दर्शन किया था, आज भी दर्शन करेंगे। दूसरे दिन मन नहीं भरा आपका? नहीं, क्यों ऐसा? वैसे नहीं मन भरा, कम वक्त मिला था क्या दर्शन को लेकर? कम वक्त तो ऐसे कम नहीं मिला था, फिर भी मैं आज सूरत को निकलूंगा, गुजरात को। तो मतलब सोचा कि एक बार और दर्शन कर ले। सोचा कैसे? हाँ बताएं जी बताएं सर, आप कहाँ से हैं? हम जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र राजदान जी। मैं प्रधान हूँ सनातन धर्म सभा भद्रवाह का जी। हम 214 लोग को लेके यहाँ आए हैं। और यहाँ जो हम कल से हम यहाँ आए हैं, कल हम हनुमानगढ़ी वगैरह सब गए थे। कल मंगलवार था, कल वहाँ जाना जरूरी था। आज सुबह हम निकले हैं अपने जहाँ हमारा। आपने सोचा कम से कम दूसरे दिन जाके दर्शन कर लूं, पहले तो राम भक्त हनुमान के दर्शन करना जरूरी है। बिल्कुल है ना, राम भक्त हनुमान के। आप लोग भी साथी हैं? जी हम इनके साथी हैं। साथी हैं जी, साथ में हैं। तो अभी कितना देर से यहाँ पे? अभी हम लाइन में कितना देर, लाइन में कितनी देर से लगे? एक घंटे से। अभी रोड क्या है, अभी इससे ज्यादा लंबी लाइन है? हाँ, और हमें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में हम दर्शन कर लेंगे। देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और एक बार और मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये लाइन कितनी ज्यादा लंबी है। ये देखिए, ये कतार आप देखिए कि ये खत्म होने का नाम ले रहे। हाँ बताएं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जम्मू कश्मीर से आए हम। नाम क्या हुआ? तिलकराज योगी। अच्छा, तो साथ में कितने लोग चलते रही है जिसे प्रशासन के काम में हेल्प? 250 लोग है हमारे साथ। 250 का ग्रुप है? 250 का, जिसमें आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, राम राज लग रहा है। आगे चल देखे, हम प्रशासन के काम में बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि जो भी श्रद्धालु है उसको हम रोक के बात नहीं करेंगे, वो चलते चलते जिससे कि कतार में किसी भी तरीके की और दर्शन करने में किसी भी तरीके की बाधा नहीं पहुंचाना चाहते। ये देखे रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरा घेरा बना रखा है और लगातार लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाबा जी कहाँ से है? हम गुजरात से। गुजरात से क्या नाम हुआ? हमारा प्रहलाद भगत जी। अभी दर्शन कल नहीं कर पाए? नहीं कर पाए बाबा। आए नहीं थे या आज? हम मकर संक्रांति दिन से चलते रहिए। मकर संक्रांति के दिन से ही आए। लेकिन कल बहुत भीड़ लगी थी, दर्शन नहीं हुआ, इकल्ला खड़े रहे। फिर बहुत तकलीफ हो गई, पग में चल दिए हम। तो सोचा आज दर्शन कर ले, आज कर ले। जय जी। कहाँ से भैया? बंगाल से। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? अच्छा हुआ, बहुत सुविधा हुआ। ये देखिए आगे और थोड़ा आगे ले आइए कमल देव, कैमरा पर्सन कमल देव। देखिए ये, हाँ ये भैया क्या लेके चले हैं, कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, सोलापुर से। और ये बजाते हुए चलते हैं? हाँ बजाते हुए आ रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? जे इसको टाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाल बोलते हैं। कितने लोग हैं साथ में?
हमारे साथ में दो चार लोग हैं। अच्छा, ये भी आए हैं कोई। आपको ठंडक नहीं लग रही है बाबा जी? ठंडा नहीं है, ये भगवान है। हाँ। कोई ठंडा नहीं है। हाँ। भगवान को देखने के लिए आया था। अच्छा। जगन्नाथ में आया था। अच्छा, जगन्नाथ संस्कृति में आया था भगवान को देखने के लिए। तो ये भैया देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। ये शायद रेलवे स्टेशन तक पहुँच गई होगी कतार। अब जहाँ तक न, इस समय तो देखिए ठंडक भी बहुत ज्यादा है, सुबह का भी वक्त है, कोहरा भी है, लेकिन कतार बहुत लंबी लगी हुई है।